नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें देखते हैं। T20 न्यूज। T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। पीएम मोदी से उनके आवास पर करेंगे मुलाकात, मुंबई में रोड शो की तैयारी। मैनपुरी समेत यूपी के कई जिलों में बाबा की तलाश जारी। देर रात रामकुटर आश्रम में भी पहुंची टीम। मीडिया से बोले, आश्रम में नहीं है बाबा, हम केवल सुरक्षा जांच के लिए आए। आगरा के सैया में भोले बाबा के सत्संग को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने पहुंचकर हटाया टेंट। आज होना था भोले बाबा का सत्संग। हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन, रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में होगी पूरी जांच। यूपी में बड़ी सभाओं के लिए एसओपी बनाने की तैयारी में योगी सरकार। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड अमन सिंह गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग से पुलिस ने पकड़ा। अमन सिंह का ताल्लुक बिहार झारखंड के सिंडिकेट से जुड़ा। नीट काउंसलिंग के लिए जा रही छात्रा और उसके भाई पर एसिड अटैक, दोनों गंभीर रूप से झुलसे। सरफिरे की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज एलएलबी की सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित। दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर फैसला, कुलपति का आदेश, नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 5,000 शिक्षकों के स्थानांतरण को रोकने को लेकर पूछे सवाल। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई। घोटाले के आरोप में जेल में बंद है सिसोदिया। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल, 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं सत्येंद्र जैन। भारत में धार्मिक एकता पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले कितने भी झगड़े क्यों ना हो, हम एक राष्ट्र हैं, साथ हैं, मन से एक हैं। मोहन यादव का 2 दिवसीय अमरवाड़ा दौरा, पार्टी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में करेंगे जनसभा, 10 जुलाई को वोटिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का 4th दिन, सदन में हंगामे के आसार। नरसिंहपुर दिवाड़ी को लेकर विपक्ष पर कर सकता है चर्चा की मांग। आसिया विश्वदेव साय का दूसरा जनदर्शन, लोगों से करेंगे सीधा संवाद, समस्याओं को सुनकर करेंगे समाधान। मध्य प्रदेश के धार के भोजशाला में सर्वे का काम पूरा, एएसआई की रिपोर्ट पर आज होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष में सर्वे में नारायण की चतुर्भुज मूर्ति मिलने का दावा। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले होगा भूमि सर्वेक्षण का काम, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अधिकारियों से जल्द भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने को कहा। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर सीएम नीतीश कुमार गंभीर, पुलों के रखरखाव को लेकर समीक्षा बैठक। नेपाल में प्रचलित सरकार का जाना तय, सीपीएन और यूएमएल के बीच नया गठबंधन, आज होगा समझौता। जयपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, रेलवे स्टेशन पर भी भरा पानी। असम में बाढ़ से हालात बेहद खराब, 27 जिलों में 16.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, अब तक 56 लोगों की मौत।